फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम घर पे स्प्राउट कैसे बनाएंगे उसकी रेसिपी बताऊंगी। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत इजी तरीके से ये हम स्प्राउट बनाएंगे और आप ये घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी ही नई रेसिपी के लिए प्लीज़ आप बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए। एक बाउल में मैंने एक कप मटकी, मोठ भी बोलते हैं और गुजराती में इसे मठ बोलते हैं, वो लिया है। और ये हम अच्छे से वॉश कर लेंगे एक बार और ये पानी में निकाल दूंगी। और अभी हम उसे 2 कप पानी ऐड करके भिगो देंगे। तो अच्छे से मैंने उसे कर लिया है। ऐसे ही मैं 1/2 कप मूंग बीन्स को भी वॉश करके हम उसे ऊपर तक पानी भर के भिगो देंगे। और एक बाउल में मैं 1/2 कप चने, उसे भी मैंने वॉश करके भिगो दिया है। तो तीनों को हम 8 घंटे तक भिगो देंगे। तो 8 घंटे के बाद आप देख सकते हो मोठ ऐसे खुल गए हैं और बड़े भी भिक्के हो गए हैं। ऐसे सेम ही हमारे मूंग बीन्स है, वो भी ऐसे हो गए हैं, तब देख सकते हो। तो मैं ये दोनों में से एक्स्ट्रा जो पानी है वो हम निकाल देंगे पहले। तो छन्नी की मदद से हम एक दूसरे बर्तन में ऐसे छान लेंगे और पानी सारा हम ड्राई कर लेंगे ऐसे। और मैं उसे वापस यही बर्तन में डाल दूंगी और अभी इसे हम स्प्राउट करेंगे। तो अभी मैं ढक दूंगी और हम 12 से 24 घंटे तक उसे साइड में रख देंगे। तो सेम ही मैं मटकी मोठ के साथ भी ऐसा ही करूंगी। तो एक्स्ट्रा जो पानी निकाला है वो मैंने फेंक दिया है, उसे भी हम ऐसे करके ढककर हम उसे भी साइड में रख देंगे। तो ऐसे ही हम चने को देख लेंगे। तो चने भी हमारे अच्छे से भीग गए हैं। चने को हमें स्प्राउट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसे मैं सेम ही बाउल में निकाल के उसे भी ढककर हम रख देंगे। तो तीनों को जहां आपके घर में गर्म जगह हो उधर आप रख दीजिए 12 से 24 घंटे तक। दूसरा तरीका है स्प्राउट करने का, किसी भी गीले कपड़े में आप स्प्राउट को बांध दीजिए, तो ये थोड़ा जल्दी प्रोसेस होगा। तो मैं छन्नी में ऐसे कपड़ा रख के हम एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। मैंने मूठ थोड़े एक्स्ट्रा भिगोए थे वो ऐड कर दिए हैं। तो ऐसे कपड़े में बांध के हम 12 घंटे के लिए साइड में रख देंगे। तो किसी भी गर्म जगह पे आप रखिए तो तुरंत ही ये स्प्राउट हो जाएंगे, ओवन या माइक्रोवेव जो भी हो। तो अभी 12 घंटे हो गए हैं, अब देख सकते हो हमारे जो मोठ है वो अच्छे से स्प्राउट हो गए हैं। तो कभी कभी डिपेंड है क्वालिटी पे, कभी आपके स्प्राउट्स जल्दी भी बन जाते हैं, कभी आपको टाइम भी लगता है। तो टोटल 24 आवर के बाद अच्छे से वो स्प्राउट हो जाते हैं। अभी 12 घंटे के बाद आप देख सकते हो मोठ हो गए हैं। मूंग बीन्स हमारे थोड़े कम स्प्राउट्स हुए हैं, तो मैं मूंग को थोड़ा और स्प्राउट करने वाली हूँ। तो हम इसमें हल्का पानी छिड़क के उसे ढककर वापस 12 घंटे के लिए रख देंगे। सेम ही चने हमारे कम स्प्राउट हुए हैं, तो इसे मैं पोटली में बांध दूंगी और इसे भी हम 12 घंटे के लिए दोनों को थोड़ा स्प्राउट होने के लिए साइड में रख देंगे। और मोठ को भी मैं थोड़ा और स्प्राउट होने दूंगी। तो तीनों को हम 12 घंटे के बाद देख लेंगे। तो अभी जो हमने कपड़े में बांध के मोठ रखे थे वो देख लेंगे। तो आप देख सकते हो अच्छे से ये स्प्राउट होके तैयार हो गए हैं। ये तुरंत ही बनने वाले स्प्राउट है, इसमें 12 घंटे में ये रेडी हो गए हैं। और नेक्स्ट 12 घंटे के बाद चने को देख लेंगे। तो आप देख सकते हो हमारे चने अच्छे से स्प्राउट हो गए हैं। अगर आपको और भी स्प्राउट्स करना है तो आप उसे बांध के और रहने दीजिए, तो ये अच्छे से स्प्राउट हो जाएगा और मूठ भी रेडी हो गए हैं। सेम वे हमारे मूंग बीन्स भी रेडी हो गए हैं। तो स्प्राउट करने में भिगोने के हमें 8 घंटे और स्प्राउट करने में 1 से 1.5 दिन लग सकता है, डिपेंड वेदर पे है। तो आप तीनों को आसानी से घर पे अंकुरित कर सकते हो, आप देख सकते हो। और अगर आपको लगे कि स्मेल आता है कभी, तो जब भी आप छाने पानी एक्स्ट्रा अंकुरित करने के लिए, तभी आप ध्यान रखिए कि पानी एकदम निकाल दीजिए, तो इसमें स्मेल या चिकना बिल्कुल नहीं रहेगा। तो तीनों मैंने आसानी से घर पे उगाए हैं।
तो आप देख सकते हो तीनों अच्छे से स्प्राउट हो गए हैं, और ये तीनों में हाई प्रोटीन रहता है अंकुरित होने के बाद। तो आप इसकी अलग अलग डिशेस जैसे मिसल पाव है, तीनों की अलग अलग सब्जी, तीनों के मिक्स करके आप चिला या पेटीज ऐसे सब बना सकते हो। तो आप ये तीनों घर पे जरूर अंकुरित कीजिए और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।